हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है नीट 2023 एस्पेक्टेड कट ऑफ फॉर गुजरात। गुजरात में दोस्तों क्या जाएगी कट ऑफ, इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। गुजरात में जो सीटें हैं, टोटल सीटें अगर आप देखेंगे 2022 में 6400 थी, इस बार जो है प्राइवेट की सीटें 300 बढ़ रही है। गवर्नमेंट में कोई इंक्रीजमेंट नहीं देखने को आपको मिलेगा, जो 300 सीटें बढ़ रही है वो प्राइवेट में बढ़ रही है, ठीक है। तो ये टोटल है 6700 सीटें हैं गुजरात में। आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 2020 में 582 नंबर पे मिल गया था सीट, वही 2021 में 573 नंबर पे ओपन कैटेगरी में सीट मिली थी। आप बात करते हैं गुजरात की, जहां 2022 में 588 कट ऑफ जो है यहां पे इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि बच्चे अच्छे परफॉर्म किए थे, रैंक आप देखते 600 प्लस वाले काफी थे। और इस बार भी गुजरात जो है अच्छे बच्चे ने अच्छे परफॉर्म किए हैं, तो यहाँ की कट ऑफ ज्यादा गिरेगी नहीं। और आपके स्क्रीन पर रहा 28,145 तक अगर आपके रैंक है, और ये 29,000 तक भी, तो आपको यूआर कैटेगरी में सीटें मिल जाएगी गुजरात में। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो पिछले बार 36,800 तो मिली थी, लेकिन इस बार ये 40,000 रैंक तक जो है आपको सीटें मिलने की और माद है। मैं तो यहाँ ये लेके चल रहा हूँ 37,685। एससी कैटेगरी 86,518 पर सीटें मिल गई थी, और इस बार जो है ये 90,000 तक आपको रैंक तक सीटें मिल जाएगी, 90,000 रैंक तक, ठीक है। एसटी कैटेगरी 330 272,006, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ये 273,160 अगर आपके रैंक 2080 तक भी है, 280,000 तक तो आपको चांसेज है। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो 293,000 ये जो है 27,282 पे मिली थी, और इस बार 29,385 रैंक या 30,000 रैंक तक जो है आपको ईडब्ल्यूएस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा गुजरात में। जिमर्स की कटऑफ काफी कम जाती है, क्योंकि फी जो है वहां पे 3,00,000 समथिंग है, और तो उस वहां पे जिमर्स की कटऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगी। यूआर कैटेगरी के लिए आप देखिए, पिछले बार 518 में मिल गई थी, इस बार अगर 72,000 रैंक तक भी है आपके, 72,000, ठीक है, तो आपको चांसेज है आपको जिमर्स कॉलेज मिल जाए। एसी कैटेगरी में आपके अगर 78,000 रैंक तक भी है, यहाँ मैं 76,000 समथिंग लिखा हूँ, लेकिन 78,000 रैंक तक भी है तो आपको सीटें मिल जाएगी। एसी कैटेगरी 1,57,000 रैंक तक आपको चांसेस है, ये 1,60,000 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैटेगरी रैंक डिपेंड करता है, क्योंकि आपके कैटेगरी रैंक क्या है, तो 1,60,000 रैंक तक भी चांसेस बन रही है। एसटी कैटेगरी में 4,80,000 तक आपके चांसेस बन रही है। ईडब्ल्यूएस में जो है ये आपके 66,000 रैंक तक आपको चांसेस मिल रही है, मतलब बन रही है, और यहाँ जो है आपको जेमर्स मिल सकती है। तो ये जेमर्स की रही कट ऑफ। चैनल पे नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।